नमस्कार दोस्तों एवं ग्रामीण किसान भाइयों, मैं विनय पाटीदार स्वागत करता हूं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य इरीगेशन पर। किसान भाइयों एवं ग्रामीण भाइयों, आज मैं आ चुका हूं बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार परीक्षण संसाधन साजापुर में। दोस्तों आज ये इस योजना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इस संसाधन के बारे में। आप में से जो लोग इसके बारे में जानते हैं उन्हें भी जानना चाहिए और जो लोग नहीं जानते उन्हें भी देखना चाहिए। दोस्तों इस संस्था में क्या होता है कि यहाँ पे ग्रामीण लोग एवं किसान भाइयों को स्वरोजगार यानी कि यहाँ पे आपको व्यवसाय की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे कुछ भी 10 दिन की या 30 दिन की ट्रेनिंग होती है अलग अलग व्यवसाय की, और यहाँ पे आपको निःशुल्क ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल कुछ भी पैसा नहीं लगता है। और यहाँ पे आपको रहने की एवं खाने की भी व्यवस्था दी जाती है, और दोस्तों यहाँ से आपको लोन राशि भी प्राप्त करवाई जाती है। दोस्तों हम अंदर जाते हैं और मैडम से बात करते हैं इस संस्था के बारे में, इसमें क्या क्या सुविधा दी जाती है और ये किन किन कौन कौन लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों चलिए हम अंदर चलते हैं और बात करते हैं, और हम यहाँ पे जो विद्यार्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे भी बात करते हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में। चलिए हम अंदर चलते हैं। दोस्तों हम अंदर क्लासरूम में जाके देखते हैं यहाँ पे कैसी व्यवस्था दे रखी है विद्यार्थियों के लिए। चलिए हम क्लासरूम देखते हैं अंदर विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर की भी, और इसके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा मैनेजमेंट रखा हुआ है। और दोस्तों हम अभी उधर की साइड क्लासरूम जहाँ चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, हम वहाँ जाके भी देखेंगे और विद्यार्थियों से भी बात करेंगे यहाँ पे कैसी क्या ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी हम बाहर की साइड चलते हैं, वो आप कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। देख सकते हो आप जैसे कि मोटर राइडिंग की ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसके लिए यहाँ पे मशीनें रखी हुई है मोटर राइडिंग के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताते हैं, जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग लेकर व्यवसाय स्टार्ट किया है उनका भी यहाँ पर लगा हुआ है। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ से सिटी से ट्रेनिंग लेकर अपना व्यवसाय स्टार्ट किया है, जैसे कि संतोष वर्मा जी जिनकी मोटर वाली की दुकान है, और इनका बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा है। जैसे कि ये कि हमारे श्रीमती वर्षा जी विश्वकर्मा जी है मैडम, इन्होंने भी देखो सिलाई मशीन का इनका कारोबार खुद का चल रहा है। इसके यहाँ से बहुत सारे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे किन किन व्यवसाय की ट्रेनिंग भी दी जा सकती है और कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे शेड्यूल भी बना हुआ है। दोस्तों हम अंदर चलते हैं और मैडम का इंटरव्यू लेते हैं जिनसे हमने परमिशन ले रखी है। हम मैडम का इंटरव्यू लेते हैं और आपको बताते हैं उसके माध्यम से कि यहाँ पे मैडम से पूछते हैं कि क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था दे रखी है, किन कौन कौन लोग इस योजना का लाभ ले सकते हो, या किन किन प्रदेशों और जिलों में ये योजना चलती है जो कि ये ग्रामीण स्वरोजगार परीक्षण संसाधन केंद्र है। चलिए नमस्कार, मेरा नाम विनय पटेदार है। मैं अपने चैनल यूट्यूब चैनल लक्ष्य इरीगेशन के माध्यम से हमारे जो देशवासी या भारतवासी है जो ग्रामीण लोग हैं सभी को इस संस्था के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, ग्रामीण स्वरोजगार परीक्षण संसाधन के बारे में। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जिससे हमारे लोगों को जानकारी मिल सके, देखने वालों को। मैं आपका परिचय मेरा नाम निर्मलता बरपेटे है और मैं इस संस्था में संघ सदस्य के पद पर पदस्थ हूँ। हमारी जो संस्था है ये जिले में एक मात्र इंस्टीट्यूशन होता है, जिस जिले की जो लीड बैंक होती है वो अपने जिले में इस संस्था को शुरू करती है। लीड बैंक मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा शाखा है वहाँ पर होती है। संस्था को स्थापित करने का उद्देश्य यह होता है कि जो गरीब लोग हैं मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के BPL फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं, या फिर जो मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन स्व सहायता समूह के परिवार के जो सदस्य हैं, स्व सहायता समूह के सदस्य और उनके परिवार के कोई भी सदस्य जिनकी उम्र 18 से 45 साल के बीच में हो, ऐसे लोगों को यहाँ पर स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। उद्देश्य यह है कि स्वरोजगार के प्रशिक्षण के बाद आप अपना काम शुरू करें और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसी उद्देश्य के साथ ये संस्था इस काम को कर रही है। हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान जितने भी दिन का प्रशिक्षण होता है उतने दिन तक आपके रहने की पूरी सुविधा दी जाती है। आवासीय संस्थान है हमारा, हमारे पास डॉर्मेटरीज है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहती है, ट्रेनिंग मटेरियल भी निःशुल्क ही प्रोवाइड किया जाता है और व्यवस्था भी सब कुछ निःशुल्क हुई है, मतलब किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता किसी भी चीज़ का। यहाँ पर हम यहाँ पे जैसे कोई लाभ लेना चाहता है इस संस्था का तो उसे किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए?
यदि कोई इस संस्था से लाभ लेना चाहता है, सबसे पहली चीज उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, 18 से 45 साल के बीच का। दूसरी बात, वो ग्रामीण होना चाहिए। हम गांव के लोगों को ही ट्रेनिंग देते हैं, शहर के लोगों को प्रशिक्षण नहीं देते हैं। उसके बाद उनके पास बीपीएल का या तो राशन कार्ड हो, यदि बीपीएल का राशन कार्ड नहीं है तो फिर उनके घर से कोई भी जो है स्व सहायता समूह का सदस्य होना चाहिए। यदि वो भी नहीं है तो जॉब कार्ड जो होते हैं मनरेगा के कार्ड वो होने चाहिए। यदि वो नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई भी कार्ड हो या कोई भी ऐसा श्रमिक पंजीयन जो जिसमें आपको ये पता चलता हो कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो तब हम लोग उनको रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। और 70% हमारे पास बीपीएल कैंडिडेट होते हैं, 30% हम एपीएल भी ले लेते हैं। मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन उनके पास बीपीएल का कोई सबूत नहीं है, है ना, तो भी हम 30% भी ऐसे लोगों को भी ले लेते हैं जिनके पास बीपीएल का कोई नहीं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप लोग, हम भी ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से आरसीटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए। सबसे खास बात हमारी आरसीटी की ये होती है कि यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग होती है ना तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक टेक्निकल पार्ट होता है जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग लिया तो आपको इलेक्ट्रीशियन मोटर डिमांडिंग का तो सिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या बिहेवियर क्लासेस भी आपकी की जाती है जिससे कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। और आप यहाँ से जाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाता है कि आप अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इसकी यूनिक क्वालिटी होती है, बाकी सब तो हमने आपको बताया ही क्या है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आपके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को यदि ये बात पता चलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हम लोग आए और इसका लाभ ले, क्योंकि ये सब उन्हीं के लिए है, इसलिए। ठीक, धन्यवाद। मैं यहाँ पे जैसे कि जो भी लोग ट्रेनिंग लेते हैं और व्यवसाय स्टार्ट करते हैं उनको यहाँ पे लोन लेने में भी सहायता दी जाती है। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग आप ले रहे हैं तो जैसे ही आप लोगों के हमने, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रेनिंग चल रही होती है उसी दौरान मुद्रा में इनके एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं लोन के लिए। और यदि आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं जैसे कि 2-3 लाख या उससे भी ज़्यादा का, तो आपका परियोजना प्रतिवेदन तैयार करके भी बैंकों को भेज दिया जाता है जिससे कि आप अपना व्यवसाय शुरू करें। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि आप अपना व्यवसाय शुरू करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैडम ने हमें बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी दी है इस संस्था के बारे में। और दोस्तों, अगर आप इस संस्था का लाभ लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि बहुत बढ़िया संस्था है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर आप नहीं तो आपको कोई परिचय लेना चाहता है तो उन्हें वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताइए। और दोस्तों, इतनी मेहनत से हमने आपके लिए वीडियो बनाई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए हम जब तक बाहर जाकर कुछ विद्यार्थियों से बात करते हैं जो यहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं, उनसे जाके हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो भाई साहब ये सभी खड़े हैं हमारे यहाँ के आरसीटी के जो विद्यार्थियों ने यहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग ली, अब इनसे पूछते हैं। भाई साहब, आपको कैसा यहाँ पे ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ की, आप जरा बताइए। सर, हमें डेयरी फार्मिंग के बारे में बताया गया, पशुपालन जिससे डेयरी फार्मिंग के अंदर जैसे दूध का उत्पादन करना, पशुपालन के बारे में सभी कुछ बताया गया एवं हमें सभी के बारे में जैसे जैविक खेती के बारे में भी बताया गया। तो यहाँ पे जो भी अच्छा सिखाते हैं, बट बहुत अच्छा है और शासन की सुविधा के अनुसार निःशुल्क है यहाँ पे। और भी सभी जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी यहाँ इस व्यवस्था का लाभ लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए, वो जल्द से जल्द यहाँ पे आने का कृपा करें। आपको यहाँ पे, जहाँ पे आप खुद विद्यार्थी यहाँ पे रहते भी होंगे, रहने और खाने की व्यवस्था भी कैसी है? बहुत बढ़िया है, इंस्टीट्यूट की व्यवस्था है वो, उनके लिए सब कुछ निशुल्क रहता है, इसमें निशुल्क रहता है उनके लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जैसा कि दोस्तों, इस संस्था के बारे में हमने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी लगभग दे दी है, फिर भी अगर आपको कोई समस्या, कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारी बनाई गई ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।